आप सबसे बड़े भविष्यवक्ता है दोस्तों। प्रभु ने इसी तरह से बनाया है, ये शब्दों का ग्रह है, ये शब्दों का संसार है। प्रभु ने आपको वचन का प्रभु बनाया है। स्त्री और पुरुष जो शब्दों के लोग हैं, हमारी सामर्थ शब्दों में है। याकूब अध्याय 3 कहता है, ये शब्द ये जीभ तो पतवार है जो जहाज को ले चलती है। आप जहां भी जाना चाहते हैं, आप सफलता की ओर जाना चाहते हैं, आप जीभ से जा सकते हैं। असफलता की ओर जाना है तो जीभ से असफलता की ओर जा सकते हैं। जीभ छोटी पतवार है जिससे जहाज मुड़ जाता है। जब आप बीज बोते हैं तो आप आकाश की ओर देखते हैं कि बारिश की आशा करते हैं। लोग ऐसे ही जीते हैं किसानी करने वाले समाज में, वो आशा करते हैं कि बारिश हो, और जब बारिश होती है वो इतने खुश हो जाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि बारिश आएगी तो जमीन को पानी मिलेगा, कि जो बीज उन्होंने बोया है वो बर्बाद नहीं होगा, वो जड़ पकड़ेगा, मजबूत होकर बढ़ेगा, वो जड़ फैलाएगा और पेड़ बनेगा, वो बड़ा होकर फल लाएगा, ये सब कुछ होगा। लेकिन एक बात जरूरी है, आकाश से बारिश होनी चाहिए यदि वो इस साल अच्छी फसल पाना चाहते हैं। तो आकाश से बारिश हो, वो बारिश पर आधारित रहते तो वो हमेशा बारिश की राह देखते। और प्रभु कहता है बारिश ये नहीं कि पानी की बूंदें गिरती रहेगी, लेकिन आशीष की बारिश। सब लोग कहे आशीष की बारिश, जैसे बारिश आकर जमीन को पानी देती है और फल बढ़ाती है और पेड़ को फलदायी बनाती है और उससे जमीन फसल उपजाती है, उसी तरह से परमेश्वर की आशीष ऐसी आएगी जैसे आकाश से बारिश होती है और वो फलवंत बनाएगी और फल देने वाली बनाएगी, आपको बहुगुणित होने लगाएगी, आपको बढ़ोतरी और बहुतायत पाने लगाएगी, आपको आशीषित रूप में रहने लगाएगी। मैं आशीषों की वर्षा के बारे में कह रहा हूं, किसी बारिश के बारे में नहीं, आशीषों की वर्षा। इसके बारे में सोचिए। अब निकाले भजन 68 और मैं आपको बारिश के बारे में बताता हूं। यह सच में आशीष की वर्षा हो सकती है। बाइबल बहुत तरीके से आशीष के बारे में कहती है, खासकर बारिश के जैसे आशीष, बारिश जैसे नीचे आती है। देखिए 68 और वचन 9, हे परमेश्वर तूने बहुतायत की वर्षा की, तेरा निज भाग सूख गया था परंतु तूने उसे हरा भरा किया है। ये कहता है तूने बहुतायत की वर्षा की प्रभु, और कुछ अनुवाद कहते हैं तू हे प्रभु बहुतायत की बारिश भेजता है। केवल बहुत बारिश नहीं, लेकिन तो बहुत बारिश जैसे बहुतायत भेजता है, जैसे कई बार बारिश आती है और जमीन को पानी देती जाती और धरती को भर देती है, और उसी तरह से परमेश्वर तू भरपूर आशीष भेजता है, भरपूर।
तू बारिश के जैसे बहुतायत की आशीष भेजता, बहुतायत से आशीष भेजता है, जानते हैं, भरपूर, भरपूरी की बारिश। प्रभु तूने हम पर भरपूरी की बारिश भेजी है, यानी बाइबल कहती है कि परमेश्वर बहुतायत को बारिश जैसे भेजता है, बारिश जैसे बरसाता। अब मेरे साथ निकाले मलाकी, मलाकी अध्याय 3:10। सारे दशवांश भंडार में लाओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। सब लोग कहे तुम्हारे लिए उंडेलता हूं, ऐसी आशीष। क्या आप जानते हैं कि आकाश से केवल बारिश नहीं होती, आकाश में झरोखे हैं, आकाश में झरोखे हैं जिन्हें परमेश्वर खोलता है, बाइबल कहती है, और आप पर आशीष उंडेलता है। जैसे बारिश आती है, आशीष नीचे आती है। सब लोग कहे आशीष नीचे आती है। ओ, इस तरह से सोचना बहुत अद्भुत है। प्रभु आकाश के झरोखे खोलता है। अब झरोखे का मतलब ये नहीं, जैसे कि एक भाई ने कहा कि उन्होंने अपनी जमीन दी फ्लैट्स बनाने के लिए, अपनी जमीन दी कि फ्लैट्स बना सके। और जब उस भाई ने फ्लैट्स बनाए, बहुत से फ्लैट्स बनाए, उन्होंने बालकनी बनाने के लिए कहा था, और ये मालिक मुझे बता रहे थे हमने उन्हें बालकनी बनाने के लिए कहा, लेकिन ये आत्महत्या की जगह जैसी है, वहां पर खड़े रहे तो वहां पर गिर जाएंगे, इतनी छोटी और सक्रिय और खतरनाक है, वहां खड़े रहने के लिए बहुत कम जगह है। जब परमेश्वर बालकनी कहता है तो इस तरह की बालकनी नहीं जहां से सिर निकालकर झांक सके, नहीं 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 नहीं। जब प्रभु कहता है बालकनी तो इसका अर्थ है, जानते हैं, इसका अर्थ है ये फ्लड गेट्स। सच में कुछ अनुवाद इस तरह से कहते हैं फ्लड गेट्स। इसका यह अर्थ नहीं कि छोटी सी खिड़की जिसे आप खोलते हैं और कुछ फेंकते हैं, नहीं। परमेश्वर स्वर्ग से कुछ छोटी खिड़की नहीं खोलता है कि कुछ चीजें फेंक सके, नहीं। जब परमेश्वर आकाश के झरोखे के बारे में कहता है तो वो फ्लड गेट्स के रूप में आपको सोचना है। प्रभु का बड़ा दिल है, प्रभु के पास धन है, परमेश्वर के पास देने के लिए बहुत कुछ है। परमेश्वर जो हम सोचते और मांगते हैं उसे भी बहुत बढ़कर देता है, तो वो खिड़की से नहीं कर सकता, खिड़की वहां नहीं है, वो फ्लड गेट्स को खिड़की कहता है। फ्लड गेट को जब खोलता है तो पानी का बहाव बहते जाता है। परमेश्वर कहता है मैं झरोखे खोल कर उंडेलता हूं, मतलब उंडेलने के लिए और कुछ नहीं रहता, परमेश्वर उंडेलते जाता है आशीष को। मुझे पसंद है, मैं आशीष उंडेलूंगा, मैं आशीष उंडेलूंगा जिसे तुम नहीं रख सकते। ये मुझे बताता है कि ये खिड़की नहीं हो सकती। अब जो भी खिड़की से उंडेलते हैं वो जमा कर सकते हैं, लेकिन वो कहता है जब मैं उंडेलता हूं। देखिए, बहुत से लोगों ने परमेश्वर की आशीष के उंडेले जाने को महसूस नहीं किया। मैं आपसे कहता हूं जब वो आशीष उंडेलता है तो कमरा तैयार कर ले। इन दिनों में इसके बारे में चर्चा करूंगा। आप तैयार कर ले जगह। समस्या ये नहीं कि परमेश्वर कितना देना चाहता है, समस्या यह है कि आपके पास कितनी जगह है। जगह कहां है? जगह आपके मन में है। बहुत सी जगह इतनी छोटी है। बहुत से लोग छोटे विचार के हैं, छोटे मन के हैं कि प्रभु ऐसा है, प्रभु वैसा है। वो सोचते हैं कि परमेश्वर उनके डैडी के जैसे है, कि यदि आपको उनसे 50 रुपए चाहिए तो उनसे 100 रुपए मांगिए तब वो जाकर 50 रुपए देंगे। आप उन्हें अच्छे से जानते हैं। वो कहते हैं 100 रुपए क्यों चाहिए, 50 ही काफी है। कुछ समय बाद पता चलता है 50 चाहिए तो 100 मांग ले, यदि 50 चाहिए तो 50 मत मांगना। वो सोचते हैं प्रभु ऐसा ही है, प्रभु ऐसा नहीं है। बाइबल कहती है कि हम जो उससे मांगते हैं, जो सोचते हैं उससे भी बढ़कर परमेश्वर हमें देता है। हम जो भी मांगते और सोचते और कल्पना उससे बढ़कर, बहुत बढ़कर, यानी आपका मांगना काफी नहीं है। आप और मैं हमेशा जो प्रभु देना चाहता है उसे बहुत कम मांगते हैं। हमने कभी नहीं समझा कि परमेश्वर हमें कितना देना चाहता है। मेरे दोस्तों, मैं कहता हूं, मैं उस दिन की कल्पना कर रहा हूं जब इस चर्च का हर एक व्यक्ति और संसार के सारे चर्च ये समझने लगेंगे प्रभु किस बारे में है, और हिम्मत करके वो मांगेंगे जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। मैं वो दिन देखूंगा मेरे जीवन काल में। मैं उसकी ओर प्रचार कर रहा हूं। मैं अपने जीवन काल में वो दिन देखूंगा जहां हमारा मन परमेश्वर के लिए जगह बनाएगा, हमारा छोटा मन हमें छोड़ देगा, हमारी जगह बढ़ जाएगी और हमारे पास काफी जगह होगी कि परमेश्वर की आशीषों को ले ले। हम इसे बढ़ाकर पहले से बड़ा बना देंगे, हमारी कल्पना से बहुत बढ़कर, और फिर परमेश्वर कहेगा कि ये अब बहुत कम है।
कभी काफी जगह नहीं होगी, चाहे आप कितने भी बड़े हो जाएं, चाहे आप अपना मन कितना भी बड़ा कर दे और परमेश्वर के विचारों को रखे और परमेश्वर के बारे में सोचे और परमेश्वर ने आपके लिए जो बड़ी बातें रखी हैं, चाहे आप मन को नया बना ले किसी भी क्रिया से जाए, परमेश्वर आपसे कहेगा मेरे पास उससे भी बहुत बढ़कर है, तुम्हें अभी भी काम करना है, अभी भी बहुत दूर जाना उस दिशा में, क्योंकि तुम जो सोचते हो या कल्पना करते हो उससे बहुत बढ़कर देना चाहता हूं। ये मेरा प्रभु है। मैं बाइबल में इसी परमेश्वर के बारे में पढ़ता हूं। आमेन। तो अपना मन सही कर ले, अपनी सोच सही कर ले मेरे दोस्तों। तो प्रभु कहता है मैं आशीष उंडेलूंगा। सब लोग कहें आशीष उंडेलूंगा, यानी जब परमेश्वर आकाश खोलता है तो केवल बारिश नहीं होती, आप केवल पानी से गीले नहीं होते मेरे दोस्तों, आप परमेश्वर की आशीष से गीले होते हैं। आमेन। ये ना सोचे कि आकाश से ऊपर से पानी बरस रहा है, ये सोचे कि आकाश वो जगह है जहां से परमेश्वर की आशीष उंडेली जा रही है। लोग गाते हैं कि हमारे पास थोड़ी बूंदे गिर रही है, लेकिन आशीष के लिए हम विनती करते हैं। लेकिन प्रभु कहता मैं आशीष उंडेलूंगा। मैं इसके बारे में बताऊंगा ये क्यों टपक रही है, उंडेल नहीं रही है। आशीष में छोटी बूंदे प्रभु की इच्छा नहीं है, लेकिन बहुत से विश्वासियों के जीवन में छोटी बूंदे वास्तविकता है, इसलिए वो ये गाते हमारे पास छोटी बूंदे गिर रही हैं, लेकिन आशीष की विनती करते। प्रभु कहता विनती मत करो। बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि आशीष के लिए विनती करो। यदि सही तरह से बाइबल पढ़े और खास करके नए नियम में यदि आप आशीष पढ़े, बाइबल पढ़े, ये कहती है इफिसियों अध्याय 1:3 में, हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने हमें मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में हर आत्मिक आशीषों से आशीषित कर दिया है, उसने हमें आशीष दी है। आशीष तो हमारी ही है, ये पहले ही हमारी है, ये मेरी है, आपकी है, ये हर व्यक्ति की है। आप और मैं आशीषित है, परिमाण के बाहर आशीषित है। इसे लोगों को समझाने के लिए मैं और कितना प्रचार करना है। आशीषित, सब लोग कहे आशीषित हूं मैं, आशीषित। मैं आशीष के लिए विनती नहीं कर रहा हूं, मैं आशीषित हूं। कितनी आशीषों से आशीषित, मसीह यीशु में हर आत्मिक आशीषों से। कुछ लोग कहेंगे ये आत्मिक है भाई, भौतिक नहीं है। खैर, ये कहता है कि उसने जगत की उत्पत्ति के पहले से आपको आशीष दी है, भौतिक संसार नहीं था इसलिए वो भौतिक रूप में नहीं रख सका, इसलिए उसने आत्मिक रूप में इसे रखा है। रखने के लिए संसार नहीं था, अब उसने संसार बनाया और उसने सारा धन रखा और कहा पृथ्वी और उसकी सारी भरपूरी मेरी है। उसने कहा सोना मेरा है प्रभु कहता है, चांदी मेरी है प्रभु कहता है। उसने प्रभु को संपत्ति से भर दिया, बस इसे खोदे। जो लोग इसे खोदते हैं कुछ देशों में वो निकाल रहे हैं मिलियन और मिलियन गैलन तेल प्रतिदिन, और प्रतिदिन धनी हो रहे हैं क्योंकि परमेश्वर ने इसे वहां रखा। उन्होंने तेल के लिए कुछ भी नहीं किया है, परमेश्वर ने इसे यहां रखा और वे इसे पा रहे हैं, बस यही। हेलो, क्या आप यहां हैं? यानी प्रभु ने हमें आशीष दी, सब लोग कहें मैं आशीषित हूं। आज चर्च में यही समस्या है क्योंकि लोगों को बताना बहुत मुश्किल है कि वो आशीषित हैं। जब आप कहें वो आशीषित, वो कहते हैं किस तरह का संदेश है ये, किस तरह का। जब भी चर्च में जाए तो आशीष के बारे में कहते हैं। मैंने सोचा कि जब बहुत से लोग दूसरी बातों के बारे में कह रहे हैं, मैं आशीष के बारे में बताऊंगा। आशीष, सब लोग कहे आशीष। प्रभु कहता मैं इतनी आशीष उंडेलूंगा कि तुम्हारे पास रखने की जगह नहीं होगी, आशीष उंडेलते जाऊंगा। यानी बाइबल कहती है कि आकाश वो जगह है जहां से आशीष उंडेली जाती है। देखिए यहेजकेल 34 में, जब प्रभु की आशीष उंडेली जाती है तो क्या होता है, इसे सुनिए। वचन 26 में, उन्हें और अपनी पहाड़ी के आसपास के स्थानों को आशीष का कारण बना दूंगा और मेह को ठीक समय में बरसाया करूंगा, मेह को ठीक समय में बरसाया करूंगा। अब लोग कहे अपने ऋतु में, जानते हैं आपके जीवन में आशीष का ऋतु शुरू हुआ है। यह आशीष का ऋतु है मेरे दोस्तों। एक भाई ने कहा, उन्होंने एक कहावत कही ही, एक मौका मिला उसका उपयोग करो। बहुत बारिश हो रही है ब्रदर, उन्होंने कहा कि आपके जंगल में बहुत बारिश हो रही है, उन्होंने कहा।
आप इसका सबसे अच्छा उपयोग कर ले, क्योंकि ये आपका ऋतु है, यानी आप अच्छे से अच्छा जितना हो सके जमा कर ले, क्योंकि ये हमेशा ऐसा नहीं रहेगा, ऋतु होते हैं, यानी ये आशीष का ऋतु है, कल कमी का ऋतु होगा, श्राप का ऋतु होगा। यानी जब आशीष का ऋतु है तो जितना हो सके कर लो, आप इसके इसमें अच्छा कर लो। वो संसार की बातें कह रहे थे, मैंने कहा रुकिए एक मिनट भाई, बाइबल में कहां इस तरह की बातें बताई गई है जानते हैं? खैर ये कहती है वर्षा का समय, कटनी का समय और ये सारी चीजें, मैं इस तरह के ऋतु होते इससे सहमत हूं, यानी गर्मी है, सर्दी है, बारिश है और पतझड़ है, ये सब। लेकिन ये कहां बताता है कि आशीष का ऋतु होगा और फिर बुरा ऋतु होगा? मैं इससे सहमत नहीं हूं। मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा कुछ हुआ है खत्म न होने वाला, न रुकने वाला। आशीष का ऋतु हमारे जीवन में शुरू हुआ है, मैं वचन से दिखाता हूं। मेरे साथ निकाले लय व्यवस्था अध्याय 26, लय व्यवस्था अध्याय 26। कुछ लोगों के लिए लय व्यवस्था शब्द बहुत मुश्किल है। खैर आशीष यहां इस लय व्यवस्था सही कर लें। आशीष के बारे में बहुत कुछ, इसलिए मैं लय व्यवस्था पढ़ना चाहता हूं। लय व्यवस्था वगैरह क्या है लोग कहते हैं, मैं इन चीजों को नहीं पढ़ता, ये बहुत मुश्किल है। नहीं नहीं, ये बहुत ही अद्भुत है। आशीष के सारे भेद यहां पर है, प्रभु आपको आशीष के बारे में हर बात बताता है। अब इसे सुनिए, वचन 4, तो मैं समय समय पर मेह बरसाऊंगा और भूमि अपनी उपज उपजाएगी, अवश्य ही ऋतु में बारिश होती है और बारिश न होने का भी ऋतु है। ठीक है, हम इससे सहमत है, ठीक है। समय पर मेह बरसाऊंगा तथा भूमि अपनी उपज उपजेगी और मैदान के वृक्ष अपने अपने फल दिया करेंगे। तुम दाख तोड़ने के समय भी दावनी करते रहोगे और बोने के समय भी भरपेट दाख तोड़ते रहोगे, और तुम मनमानी रोटी खाया करोगे और अपने देश में निश्चिंत बसे रहोगे। अब आप इसके बारे में सोचने लगे, यह ऐसा नहीं है कि यह बोने का समय है तो खाने के लिए कुछ नहीं, मुझे बस फसल की राह देखने की आशीष बहती जाए। नहीं, यह कहता है दाख तोड़ने के समय भी दावनी करते रहोगे, आप दाख तोड़ते रहेंगे और आपकी दावनी तो दाख तोड़ने के समय भी रहेगी। ये कहता है दाख तोड़ने तक और बोने के समय भी भरपेट दाख तोड़ते रहोगे, यानी जबकि वो बो रहे हैं तोड़ते हुए आएंगे भी, धरती से इतनी उपज होगी, भरपूर होगा कि आपके पेट को भर देगा। क्यों? क्यों दावनी दाख तोड़ने तक होती रहेगी और दाख तोड़ना बोने के समय तक होगा, कि आपके लिए उत्पन्न करे खत्म न होने वाली, न रुकने वाली आशीष का ऋतु। क्योंकि आगे ये कहता है कि तुम मनमानी रोटी खाया करोगे और अपने देश में निश्चिंत बसे रहोगे, यानी हर समय चाहिए बीज बोना हो, कटनी का समय हो, बारिश का ऋतु हो, बारिश न होने का ऋतु हो, चाहे जो भी हो, आशीष हमेशा आती है और आप हमेशा खाते हैं कि आप भरपूरी तक खाएंगे। बाइबल यही कहती है, प्रभु ने जीवन को इसी तरह निश्चित किया कि आपको इसकी कमी न हो। यह प्रभु की इच्छा है कि आप परमेश्वर की किसी भी आशीष को न चूके। आशीष का ऋतु हमारे जीवन में शुरू हुआ है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। क्या आप ये जानते हैं, आज आप आशीष के ऋतु में हैं? ये न रुकने वाला न खत्म होने वाला आशीष का ऋतु है। ये चलता है जनवरी 1 से दिसंबर 31 तक, हर पल हर दिन। इसलिए वो कहता है कि मैं तेरे कानों पर चर्बी रखूंगा, इसका अर्थ है बिना रुके आशीष। ठीक है, जब हमने ये साल शुरू किया था यही कहा था, तुम्हारे कानों पर आशीष की चर्बी रखूंगा, क्योंकि साल भर कोई कमी नहीं होगी, कोई कमी नहीं। महीने की 30 तारीख तो महीने की पहली तारीख जैसी होगी। लोग आदि होते हैं, इन चीजों को अपने मन में रखते हैं। 15 के बाद सब पैसा नहीं रहता भाई, ये तो 15 के बाद है, आपको सोचना है महीने के अंत में कुछ नहीं होगा। सामान्य रूप में ऐसे नहीं रहता है, जब आप अपनी तनख्वाह अपनी पत्नी के पास ले जाते हैं तो कुछ पत्नी तो पहले ही भविष्यवाणी कर देती है, घर में ही वो कहती है यह आदमी जितना पैसा लाता है वो तो 10 तारीख तक नहीं चलता। तो उन्होंने कह दिया उन पैसों पर, ऑफरिंग का लिफाफा आता है
तो उसके बारे में प्रार्थना नहीं करते, वो उसे आशीष नहीं देते, वो उस पर प्रभु का वचन नहीं कहते, ये नहीं कहते प्रभु इसके लिए तेरा धन्यवाद करता हूं, ये पर्याप्त से बढ़कर होगा, प्रतिदिन के लिए बहुत कुछ बच भी जाएगा, तेरी आशीष इस पर है, मेरे हाथों का ये काम है, प्रभु ने मेरे हाथों के काम पर आशीष दी है, तेरा वचन कहता है, इसीलिए ये आशीषित है, ये आशीष है, ये मेरे हाथों में बहुगुणित होगा, जैसे मैं इसे लेता हूं और बांटता हूं और देता हूं, ये पर्याप्त से बढ़कर होगा, जैसे 5 रोटी और 2 मछली ने 20,000 लोगों को खिलाया, उसी तरह से ये पर्याप्त से बढ़कर होगा मेरी हर जरूरत के लिए, मेरे हाथों के लिए पर्याप्त से बढ़कर। लोग ऐसा नहीं कहते, देखिए कहते हैं 10 तारीख के बाद खत्म हो जाएगा, और 11 तारीख को वो कहते, देखिए मैंने कहा था ना, इसलिए मैं प्रचार करता हूं कि आप इस संसार में सबसे बड़े भविष्यवक्ता हैं। फिर भी भविष्यवक्ता के पास जाते ये देखने के लिए कि क्या होने वाला है, मैं कहता हूं मैं बता सकता कि क्या होगा, आप अपने शब्द देखें, आप क्या कह रहे वो देखें, आपके साथ बिल्कुल वही होगा। आप सबसे बड़े भविष्यवक्ता है दोस्तों, प्रभु ने इसी तरह से बनाया है, ये शब्दों का ग्रह है, ये शब्दों का संसार है, प्रभु ने आपको वचन का प्रभु बनाया है, स्त्री और पुरुष जो शब्दों के लोग हैं, हमारी सामर्थ शब्दों में है, याकूब अध्याय 3 कहता है, ये शब्द ये जीभ तो पतवार है जो जहाज को ले चलती है। आप जहां भी जाना चाहते हैं, आप सफलता की ओर जाना चाहते हैं, आप जीभ से जा सकते हैं, असफलता की ओर जाना है तो जीभ से असफलता की ओर जा सकते हैं, जीभ छोटी पतवार है जिससे जहाज मुड़ जाता है। हेलो, यानी प्रभु कहता है तुम आशीषित हो, न रुकने वाली आशीष, इसे सुनिए, आशीषों की वर्षा होगी, सब लोग कहे आशीषों की वर्षा होगी, आशीष के छींटे नहीं, आशीष के बूंदे नहीं, लेकिन क्या होगा, आशीष की वर्षा होगी, आमेन। अब इसे सुनिए, ये क्या कहता है, आशीष उंडेली जाती है, जब आशीष उंडेली जाती है तो क्या होता है, इसे सुनिए, वचन 27, मैदान के वृक्ष फलेंगे और भूमि अपनी उपज उपजेगी, मैदान के वृक्ष फलेंगे, आप जो भी करेंगे वो फलवंत होगा, आपका जीवन फलवंत होगा, और भूमि अपनी उपज उपजेगी, आपके जीवन में बढ़ोतरी होगी, आपके हाथों के कामों में बढ़ोतरी होगी, हर तरह से बढ़ोतरी, आत्मा प्राण और शरीर, परिवार धन, और आपके हाथों के कामों में फलवंत होना, सब लोग कहे फलवंत होना, बढ़ोतरी। देखिए जब आशीष की बारिश आप पर होती है, फलवंत होते हैं, बढ़ोतरी आती है, वे अपने देश में निडर रहेंगे, जब मैं उनके जुए को तोड़कर उन लोगों के हाथ से छुड़ाऊंगा जो उनसे सेवा करवाते हैं, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। प्रभु को गुलामी पसंद नहीं, देखिए उसने आकर उन्हें गुलामी से छुड़ाया था, उसने जुए के बंधन तोड़ दिए, उन्हें बाहर निकाला, उन्हें लाल समुद्र से पार करवाया, उनके लिए बहुत चमत्कार किए, क्योंकि वह नफरत करता था कि प्रभु के लोग मिस्र के फिरौन के गुलाम रहे, प्रभु गुलामी से नफरत करता, उसने उन्हें बाहर लाया और उसने इसराइलियों से कहा, तुम अपने भाई को गुलाम न बनाना, जब वो मुश्किल से जाए तो उसे लेकर गुलाम जैसे काम नहीं करवाना, उसे नौकरी देकर मदद करना, ऊपर आने के लिए मदद करना, लेकिन उसे गुलाम नहीं बनाना, क्योंकि मैं गुलामी से नफरत करता हूं। उन्हें गुलामी से बाहर लाया, उन्हें लाल समुंदर पार करवाया, मैंने उनकी मदद की, मैंने उन पर आशीष कही, लेकिन फिर भी लोग नहीं जानते आशीष में रहना। इसराइल की पूरी सेना जैसे ही, देखिए दाऊद गया, वो जानता था कि आशीष है, वो जानता था कि वो हरा सकता है, दानों को हरा सकता, लेकिन इसराइल का हर एक सिपाही आशीष पाया था, हर इसराइल आशीषित था, इब्राहिम की आशीष से, मैं इब्राहिम की आशीष के बारे में अगले हफ्ते बताऊंगा, हर एक इसराइली आशीषित था। परमेश्वर ने उन्हें क्या बताया, हम पुराने नियम में कितनी बार पढ़ते, वो कहता है कोई तेरे सामने खड़ा नहीं रहेगा, तेरे शत्रु एक मार्ग से आएंगे और 7 मार्ग से भागेंगे। मुझे पता नहीं वो ऐसा क्यों नहीं पढ़ते, ये कहता है वाचा के हर एक व्यक्ति के लिए, पुरानी वाचा में आने वाले हर व्यक्ति के लिए, प्रभु ने कहा कि कोई मनुष्य खड़े नहीं रहेगा, जो इसराइल को आशीष दे वो आशीष पाएगा, जो श्राप दे वो श्रापित होगा, और ये सब। लेकिन उन्होंने ये नहीं पढ़ा, ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने पढ़ा और समझा, उन्हें अपनी आशीष का प्रकाशन नहीं मिला था, वो सबसे आशीषित लोग थे इस पृथ्वी पर, और वो सब छिप रहे थे, और ये दानों खड़े होकर चुनौती दे रहा था, प्रतिदिन हर एक आशीषित था, लेकिन वो राह देख रहे थे कि छोटा लड़का उसे मारे, कोई भी उसे मार सकता था, कोई भी व्यक्ति खड़े होकर कह सकता था मैं आशीषित हूं, ये व्यक्ति श्रापित है, और ये कैसे कह सकता है, मैं इसके विरुद्ध में जाऊंगा और प्रभु मेरा सहायक हो और मैं जाकर इसे खत्म कर दूंगा। उन्होंने ऐसा क्यों नहीं कहा,
कोई प्रकाशन नहीं था। लोग अपनी समस्या के विरुद्ध में खड़े क्यों नहीं होते हैं? लोग अपने युद्ध क्यों नहीं जीतते हैं? लोग जयवंत क्यों नहीं होते हैं? लोग अपने जीवन में दानवों को क्यों नहीं हरा सकते? क्योंकि वो अपने जीवन में परमेश्वर की आशीष का प्रकाशन नहीं रखते हैं कि वो इसे करने के योग्य हैं, कि उनके पास योग्यता है, अलौकिक योग्यता है जो उन्हें सफल और संपन्नता की ओर ले जाए। Jesus is alive. The empty cross, the empty grave. Life eternal, you have wondered. Shout it out, Jesus is alive. He's alive. And oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Face to face, I'm yours, Jesus, you are mine. Endless joy, perfect peace, earthly pain, finally we'll see. Celebrate, Jesus is alive. He's alive. Yes.